पढ़ो, खूब पढ़ो, इतने लिखा पढ़ा सीख गए ना, बस हमें घर से निकाल दिया, घर से हमें निकाल दिया, घर से हमें कभी दुर्गति। अगर बच्चों को बोलते तो रामायण भागवत गीता पढ़ो, हमें ये दुर्गति अभी ओल्ड हाउस में जीवन में बिताना नहीं पड़ता। बच्चे संस्कारी बनते और पिता हमारी सेवा करते, ठीक है ना। इसलिए गुरु मतलब क्या है, जो हृदय की अज्ञान को दूर करके दीप को, आलोक को जो जगा दे, ये गुरु जी का काम है। इसलिए उनका गुरु जी का नाम है संधा और अमर। ये गुरु नहीं सब बंदर और ये सबके सब सांप नहीं सबके सब, इसलिए उनका इसे नाम दिया गया है। इसलिए संधा अमर ने कहा आप चिंता मत करो, हिरण्यकश्यप चिंता मत करो, अभी उनसे बड़े गुरु जी है। कौन बोले? शुक्राचार्य, शुक्र का भी आचार्य, वो भी कैसे है, भक्ति भक्त से कोई मतलब नहीं, बोले हमसे भी बड़े गुरु है। बोले कौन? बोले ये शुक्र का आचार्य शुक्राचार्य है, हैं? उसमें दो अंगुल ऊपर है। बोले अभी बड़े गुरु जी को आने दो, हैं? बड़े गुरु जी को आने दो, वो समझाएगा। क्या समझाएगा? भगवान की भजन मत कर। जिसने तुम्हें दुनिया दिया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें संसार दिया, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसे कौन कुटिल खल हो सकता है जिसने तुम्हें दुनिया संसार सब कुछ दिया और उसको ही भूल गया। देखो ध्यान देकर सुना, हम संसार में जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? दूसरों को सुख देने के लिए। अपना बीवी को कैसे सुखी करे, बच्चे को कैसे सुख करे, पिता को कैसे सुख करे, बहू को कैसे सुख करे, सारा जीवन यही काम। आप बताओ, सारा जीवन आप इनको सेवा कर रहे हो, अभी तुम्हारे ऊपर में कोई खुश हुए? आप बोलो, सारे बदनामी देंगे जिनकी सेवा कर रहे हो ना, थोड़ी सी पान से चून अलग हो गया ना, क्या बोलेंगे मेरे लिए तुमने क्या क्या, झट मुंह में आएगा। वो नहीं सोचेगा पिता माता हमारे लिए इतना क्या, नहीं सोचेगा, बोलेगा तुम हमारे लिए क्या किए हो, बदनामी जिंदगी भर देगा। कोई बताओ संसार में बदनामी के बगैर कोई तुमको सुनाई मिली है? जो कुछ देने वाले नहीं उसके लिए मर मिट जाते हैं। लेकिन सुदामा जी दो मुठ्ठी चिड़वा ठाकुर को दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का संपत्त दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई, थोड़ी सी द्रौपदी बैंडेज करती कृष्ण की, सोच रहे इसका ऋणी कब उचाए, इसकी ऋणी कब में उतारू, कब ऋणी उतारू। और भरी सभा में ऐसे ठाकुर जी वस्त्र दिए, 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। करना तो है ना भगवान के लिए करो, सबसे पहले घर में नहा धो करके करोड़ों काम छोड़कर, गुरु जी कहते थे 100 काम करके खाओ खाना खाओ, 1,000 काम छोड़कर काम करो और करोड़ों काम छोड़कर के भजन करो। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो अंतिम समय में तो यही बोलेगा ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य वाला गत्य है, सब कोई बात झूठा ही बोलेंगे ना। जितने तुमने जीवन में कमाया धमाया जो कुछ किया सब तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम जब क्या हुई, जब वही जाएगा फिर क्यों नहीं कर रहे उसको, मेरे क्यों नहीं कर रहे उसको। इसलिए सवेरे उठकर क्या करना, सारे काम को पीछे रखना और माला लेकर के बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से छत से जुड़ जाए, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले बड़े गुरु जी आ जाए ठीक कर देंगे। फिर बच्चों को फिर स्कूल में डाल दिया, जब डाल दिए अभी बीच में खेल छुट्टी होता है, बच्चे लोग को खेलने के लिए भागने लगे। प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों आज एक नया खेल खेलेंगे। अब बच्चों को बोला नया खेल, बड़े खुश हो जाते हैं, बोले भैया रोज तक एक ही खेल खेलते हैं, आज कह रहा है कोई नया खेल,
इतने प्रहलाद बीच में बैठ गया, सारे उनको मॉनिटर था ना, सारे बच्चे चार तरफ में घूम कर बैठे गए। बैठ करके भैया कौन सा नया खेले खेले हुए, बोले चलो हाथ में ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन भजन करते। जब बोले बच्चों ने कहा प्रहलाद हमने सुना भजन तो रिटायर्ड लाइफ में करते हैं, हाँ भजन तो रिटायर्ड लाइफ में करते हैं, तो अभी से क्या कह रहे हो भजन करने के लिए। देखो प्रहलाद क्या ज्ञान की बात बताए, कितने अच्छी बात बताए। बोले बच्चों बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवता निय दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये प्रहलाद अपना मुंह से ये श्लोक बताए प्रद्युम्न के गरीब। तो बोलो तो इसका मीनिंग क्या है, खड़े खड़े एक तुम बोलो तो खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। अब ये बच्चे आपको ये श्लोक का क्या मीनिंग है, ये प्रहलाद बच्चों को क्या उपदेश दिए। देखो उन्होंने इतने प्यारी प्यारी उन्होंने उपदेश दी, जो राक्षस बालक थे राक्षस बालकों को उन्होंने भजन में लगा दिया, प्रभु की भक्ति में लगा दिया। इतनी अच्छी अच्छी प्रहलाद ने बच्चों को इतने अच्छी अच्छी बात बताई। ये थोड़ी सी बात बताएंगे, बोलो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो कि जो बच्चा कथा सुना रहा है ना, ये मत समझो कि अनपढ़ है, कुछ लिखा पढ़ा सीखा है नहीं, अच्छे ये कंप्यूटर इंजीनियर है और पैसा अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा नौकरी कर रहा है, ऐसे नहीं कुछ काम धाम नहीं करते, बढ़िया नौकरी कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ और उसको साथ में भगवान की भक्ति भी करता है। देखो तिलक लगाया, गले में कंठी है, गले में ये कंठी है और तिलक लगाए, और देखो इसका वेशभूषा को देखो कैसे हमारी भारतीय संस्कृति जैसे धोती पहना हुआ है, कैसे भारतीय जैसे संस्कृति है, इसलिए आप भी अपना बच्चों को ऐसे बना, ठीक है ना। देखो ये भगवान नरसिंह देव कहते हैं अगर बंसे में तुम्हारी एक बेटा भगवान के भजन में लग गए, बोले क्या लाभ है, बोले कुलम पवित्र, ये नरसिंह देव कह रहे हैं, उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। जननी पिता था जो माँ वो बच्चे को जन्म दी, बेटा उधार होने से पहले माँ की उधार होता है। इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज की लेने के लिए वैकुंठ से रथ आया, इतने में ध्रुव महाराज बोले मेरी माँ कहाँ, बोले भैया माँ को क्यों ढूंढ रहे हो, जितने माए जितने माता है कान पर सुनो, बोले अपना माँ को क्यों ढूंढ रहे हो, बोले आज जो हमें भगवान मिले ना माँ की कृपा से, मेरे को मैया ने बताया था बेटा जिस पिता की गोद में तू बैठना चाहता तो पिता कब तक दुनिया कब तक रहेगी, दोनों ही नष्ट होने वाले, ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो जो एक बार बैठ कर उतर देंगे। पिता माता से करोड़ों गुण ज्यादा प्रेम देने वाले भगवान है, माँ मेरे को बताया माँ की कृपा से आज हमें ठाकुर मिले, इसलिए मैया को लिए बगैर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। इसलिए सुमित्रा कहती है पुत्रवती जुवती जगत सोई रघुपति भक्ति जासू सुतोई। हिंदी समझते हो, कौन कौन हिंदी समझते हो, सब समझते हो। देखो ये सुमित्रा कह रही है बोले उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थक था अगर बच्चे अगर प्रभु का भजन किया, अगर भजन नहीं किया। दूसरी लाइन में कहती है अगर बच्चों को भजन में नहीं लगा पाई ना माँ को बांज रहनी चाहिए, बंधिया रहे कभी बच्चे जन्म मत दो, या सूर बच्चा जन्म नहीं दे रहा। देखो बार बार पंद्रह पंद्रह बच्चा जन्म देता है, कुत्ते को देखो चार चार पांच पांच बच्चा जन्म दे रहा है, कौन बच्चा जन्म नहीं देता, सारा दुनिया बच्चा जन्म देते हैं, तुमने कौन सा बड़ी बात भारी बात कर दी है, दो चार बच्चे जन्म दे कर दी, समझ रहे हो। इसलिए कहते अगर बच्चा भक्ति करेगा तो 21 पीढ़ी उतार होगा, अगर बच्चे शराब पिए मांस खाए जुआ खेले बोले तुम इस जितने सारे पाप कहते पिता माता को भुगतना पड़ेगा, तुमको स्वर्ग में जा करके भी तुम्हें रखा नहीं है ना। इसलिए क्या करो खुद भी भजन करो और अपना बच्चों को पहले भजन में लगाओ। पहले तो गुरु पिता माता, पहले गुरु कौन है, माता पिता। अगर माता पिता भजन करेंगे तब तो बच्चे को बोलेंगे बेटा तू भी एक माला कर,
तू भी भजन कर, अगर खुद ही भजन भजन से कोई मतलब नहीं, स्वयं को माला फाला से कोई मतलब नहीं, गला में कंठी नहीं, तिलक नहीं, हरिनाम नहीं कर, बच्चों को क्या संस्कार डालोगे बताओ? स्वयं तो बिगड़ी हुई हो, हाँ स्वयं तो बिगड़ी हुई हो। जो बिगड़ी हुई व्यक्ति बच्चों को सुधारेगा क्या? इसलिए पहले क्या करो, पहले गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, हरि नाम करो, तभी बच्चों को बोल सकते हो तू भी माला जप कर, ठीक है ना? बोलो। गुरुजी ने आगे दी है कि जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है उसकी व्याख्या करने के लिए, प्राय देखा जाता है, देखो कि आज के समय पे लोगों की यही धारणा होती है कि भजन और भगवान की जो भक्ति जैसी चीजें हैं वो जो है बुढ़ापे के लिए है। बच्चे का जब शुरू शुरू में जन्म होता है, जन्म होते ही क्या करो, उसका लालन पालन हो, थोड़ा वो बड़ा हो तो खेलने लग जाए, खेलने कूदने के बाद में पढ़ाई, पढ़ाई के बाद में शादी, बच्चे, थोड़ा संसार हुआ, जब अंत में कोई काम नहीं होगा उस समय पे भजन कर लेना। तो प्रहलाद महाराज जी इस चीज का पूरी तरीके से खंडन करते हुए कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवतानि हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदप्य अध्रुवम अर्थदम। वो बता रहे हैं कि रिटायर्ड लाइफ में नहीं, कौमार आचरित प्राज्ञम, कौमार अवस्था मतलब 5 साल की अवस्था से ही जो है भगवान का भजन करो। कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवतानि हैं, इस धर्म, ये जो भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म क्या है, सनातन धर्म बोलो, भागवत धर्म बोलो, ये नित्य धर्म है। ऐसा नहीं कि ये बीच में से कहीं से स्टार्ट हो गया, भगवान कृष्ण से चलता हुआ आ रहा है, और ये धर्म, ये सनातन धर्म का क्या करो, इसका आचरण करो, अर्थात इसको ही अपना जीवन बना लो। कौमार आचरित प्राज्ञम, कब से? 5 साल की उम्र से। तो वहां पर वो जो बच्चे लोग को इस उपदेश दे रहे थे, वो बच्चे प्रश्न करते हैं कि प्रहलाद हम लोग, तुम बोल रहे हो 5 साल से भजन करो, अरे अभी तो हमारा खेलने कूदने की उम्र है, अभी हम 5 साल से क्यों करें? तो वो बता रहे हैं कि हम लोग के बाद में आगे जो उम्र है उसमें हम भजन कर लेंगे। प्रहलाद महाराज प्रश्न करते हैं कि तुम क्या कोई गारंटी कार्ड लेकर आए हो? किसी के पास भी गारंटी कार्ड है? हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि निश्वासो नैव विश्वासो, जो सांस अंदर जा रही है वो सांस भी दोबारा वापस आएगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। और फिर दूसरी बात, यहाँ प्रश्न उठता है कि लोगों का प्राय कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करो, तो बुढ़ापा आप किस चीज को कहोगे? एक बुढ़ापा अगर मैं साधारण रूप में देखूं तो एक ऐसी एज है जहां पर व्यक्ति जो है मरने के बहुत निकट है। इस जो व्यक्ति बस मरने वाला है उसी को तो बुढ़ापा कहेंगे। तो आज के समय पे आप देख लो कि मर कौन नहीं रहा है, गर्भ में भी जो है संतान की मृत्यु हो जाती है, कोई बच्चा पैदा होता है उस समय पे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु किसी 5 साल के व्यक्ति की भी हो सकती है, 20 साल के व्यक्ति की भी हो सकती है। तो मरने के तो सबको ही निकट है, अर्थात बूढ़ा तो हर कोई है, तो भजन की आवश्यकता फिर तो हर किसी को होनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी इसी चीज को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, गारंटी कार्ड है कि तुम जो है बाद में इतने समय तक जीवित रहोगे तो आगे भजन करोगे? कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं, तो अभी से करो। तो फिर यहाँ पे जो है बालक लोग फिर से प्रश्न करते हैं, ठीक है, बोले कि तुम कह रहे हो हमारे पास गारंटी कार्ड नहीं है, मर जाएंगे, चलो मर गए, लेकिन आत्मा तो नित्य है, आत्मा थोड़ी कम मरती है, अगला शरीर मिलेगा, अगले शरीर के अंदर भजन कर लेंगे। तब वो बताते हुए कह रहे हैं कि दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये मनुष्य जन्म जो है ये साधारण नहीं है। भागवत में वर्णन आता है लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान थे, ये जो मनुष्य जन्म है ये क्या है, ये बहुत दुर्लभ मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में जो है बड़े भगवान ने कृपा करके जो है हमको ये मनुष्य जन्म दे दिया। हम जो है हर जन लोग दुखी दुखी, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, तो इस दुख को हम लोग हर योनि में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस दुख से बचने के लिए, उस दुख का निवारण करने के लिए भगवान ने ये मनुष्य जन्म दे दिया। और मनुष्य जन्म में क्या दिया, थोड़ी सी बुद्धि दी, तो इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, हमको ज्ञान दिया तो उसको इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, भगवान का भजन करना है। यही चीज प्रहलाद महाराज जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दुर्लभम मनुष्य जन्मम, क्योंकि देख लो एक कुत्ता अगर बाहर घूम रहा है वो तो भगवान का नाम नहीं ले सकता, कोई भी और पशु योनी है, इतनी सारी 84 लाख योनियां बताई गई है हमारे शास्त्र में, तो उनमें से कोई भी जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान ने इसी मनुष्य शरीर में जो है ये जीवा दी है जिससे आप भगवान का नाम ले सकते हो, यही दो कान दिए जिससे भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुन सकते हो, ये आंखें दिए जिससे ठाकुर का दर्शन कर सकते हो, ये पैर दिए जिससे भगवान की परिक्रमा कर सकते हो, ठीक है। तो इस मनुष्य जन्म ये क्या है, ये साक्षात आपको, ये बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ बताया इसको, ये क्या है, ये चंदन की लकड़ी के समान है जिसको आप एकदम जला के और कोयला मत बनाओ इसका, इसको क्या करो, इसको जो है पूर्ण इसका इस्तेमाल करो, इसको जैसे मिला है ना, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति को क्या होगा, अगर मान लो मैं आपको कुछ समय के लिए कुछ पैसा दूं
आप उसको अगर सिर्फ अपने पास में रख दोगे ठीक है, वो भी पैसा मेरा सेफ है, लेकिन अगर किसी ने उसको इन्वेस्ट कर किया, इन्वेस्ट किया और उससे और ज्यादा कमा लिया तो उसको बुद्धिमान कहेंगे। तो भगवान ने जो ये हमें मनुष्य जन्म दिया है, ये एक एसेट है हमारे पास में, ये एक बहुत मूल्यवान चीज है। तो इसको क्या करो, इसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट किसने करना है, भगवान का भजन ही कर लो, ताकि इसके बाद बाद में हमको जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छुटकारा पा रहे हैं। फिर वो लोग जो है, प्रहलाद महाराज जी एक बात और बता रहे हैं इसके अंदर, कि ये जो है ये मनुष्य जन्म जो है ये ध्रुवम है, अध्रुवम और अर्थगम, ये एक अर्थ है। अर्थ मतलब जैसे, अर्थ मतलब जैसे धन कह दो, जैसे हमारे पास अर्थ है कुछ, अगर मैं सब्जी से सब्जी ले रहा हूँ तो उसको पैसा देना पड़ेगा, वो अर्थ हो गया हमारे लिए। ऐसे ही ये जो जैसे हम बोलते हैं ना परमार्थ, परमार्थ मतलब परमार्थ, अर्थात इसी चीज को अवलंबन कर, इसी चीज को, इस ये जो भगवान की भक्ति है, इसी चीज के मूल्य से हमें जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो इस चीज को वर्णन करते हुए प्रहलाद महाराज जी यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि भजन करना हो कब से, 5 साल की उम्र से प्रारंभ करो, कौमार अवस्था से प्रारंभ करो। और चलो जो लोग बड़े हैं वो लोग प्रश्न कर सकते हैं, हमने 5 साल की उम्र से तो किया नहीं, कोई बात नहीं। सद्गुरु के मुख से इस वचन को, इस विचार को सुनने के बाद में जब भी बुद्धि में ये चीज बिठा लो कि ठीक है अब से तो अब से ही काल करे सो आज कर, इसी क्षण से जो है भगवान का भजन आरंभ करते अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करो। यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। और एक बच्चा है वो भी थोड़ी सी सुनाएंगे। देखो ये जो बच्चे है ना, सबके सब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, लेकिन उस पर साथ साथ में भी भगवान की भक्ति भी करते हैं। ये बच्चा भी अच्छा नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन भगवान की भजन भी करता है। वंदे श्री गुरु श्रीपदकमलम श्री गुरु विष्णु वंशंसा श्री रूपं साग्रजातं सैकमलोकनाथं तारकं सजीवनं साधयतु साधुभूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सैकमलललिता श्रीविशाखादिवितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। एक साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सुंदर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, उनकी हेतु की वंशा करता हूँ। तदुपरांत समस्त वैष्णव भक्तवृंद गुरुवर में समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा अभिनंदन करना। अभी जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हमें भजन करने की कोई उम्र नहीं है, ठीक है, कोई उम्र नहीं है भजन करने की। भजन करना है तो क्यों करना है, मतलब भजन अगर कोई गुरुवर आ रहे हैं वैष्णववर आ रहे हैं आपको बता रहे हैं कि भजन करो तो क्यों करना है, इसका कारण क्या है, तो मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। एक बार एक राज्य में एक राजा था, तो उसके जो राज्य था वो काफी बड़ा था और उसके राज्य में सुंदर बाग था, बगीचा, काफी बड़ा बगीचा था। तो लोगों ने सिर्फ उस बगीचे के बारे में सुना था कि वो बगीचा इतना बड़ा है कि वहां पूरा नगर बस सकता है, वहां तरह तरह के फल फूल है, नदियां सरोवर तालाब खाने पीने की वस्तु हर चीज उपलब्ध हुआ हर चीज। तो हर व्यक्ति चाहता था कि वो एक बार बाग में जरूर जाए, हर व्यक्ति की कामना थी कि वो बाग में जाए। तो एक बार सब लोगों ने राजा के पास गया, प्रस्ताव रखा कि राजा राजन हमें भी उस बाग में जाने की अनुमति दे, हम कुछ दिन वहां जाके रहना चाहते हैं। तो राजा ने विचार विमर्श किया और कहा ठीक है, कल आप सुबह 5 बजे इस नगर के बाहर आ जाना, मैं आप सब लोगों को अपने बाग में जाने की अनुमति दूंगा। तो ठीक है, सारे के सारे जो गांव वाले थे नगर वाले थे सारे के सारे सुबह सुबह 5 बजे वहां पहुंच गए। तो राजा ने कहा ठीक है आप सब तैयार हो, सबने कहा हम तैयार है। तो राजा ने कहा ये ना मैं आप सबको एक बैग देता हूँ, थैला, एक बोरी दी सबको, सबके हाथ में बड़ा सा थैला दिया, कहा ये लो, मेरी 2 शर्तें हैं अंदर जाने की। पहली शर्त है कि जो आपके हाथ में थैला है ना, जब वापस आओगे तो इसको वहां तरह तरह के जो फल है ना, मीठे मीठे बढ़िया फल, उनसे भर के लेके आना, ठीक है। तो सबने कहा ठीक है। और मेरी दूसरी शर्त है कि मैं आप लोगों को कभी भी बुला सकता हूँ, अचानक कभी भी बुला सकता हूँ, किसी को कभी भी बुला सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि जब भी आओ तो ये जो थैला आपके पास है इसको फल से भर के लेके आना। तो सबने कहा ठीक है।
तो राजा ने सबको आज्ञा दी जाओ। तो जो बाघ था काफी बड़ा था, कई हजार एकड़ पूरा का पूरा शहर उसमें बस जाए। तो वहां लोग गए, कुछ लोग देखे, उन्होंने देखा तरह तरह के फल फूल, बाघ गए उनको फल फूल खाए, कुछ लोग सरोवर में गए स्नान किया, वहां देखा तरह तरह के लोग स्त्रियां है गंधर्व, तो कुछ लोगों ने वहां जाके अपना घड़ी बसा लिया, कुछ ने वहां विवाह कर लिया, सब वहां व्यस्त हो गए, सब लोग वहां व्यस्त हो गए। इतनी मनमोहक जगह थी, चारों तरफ हर चीज की व्यवस्था, चारों तरफ सब लोग वहां व्यस्त हो गए। पर कुछ लोग ऐसे थे, वो तीन तरह के लोग थे। एक लोग ऐसे थे, उनको राजा की भी याद थी कि राजा ने कहा है जब भी वापस आओ तो यहाँ आते हुए इस बैग में फल भर के लेके आना इस थैले में। तो वो रोज क्या करते थे, तरह तरह के अच्छे अच्छे बढ़िया फल उसमें भर देते थे। और कुछ लोग ऐसे थे, उनको लगा कि ये राजा तो पता नहीं कब बुलाएगा, अभी तो भोग टाइम है, जब बुलाएगा तब भी की जाएगी। तो एक दिन राजा का अचानक बुलावा आ गया कि आ जाओ वापस आ जाओ, अब टाइम हो गया है। तो सब लोगों को जल्दीबाजी में फटाफट आना पड़ा। तो सब लोग अपने अपने थैले भर के लेके आ गए। तो राजा ने सबको लाइन से खड़ा कर दिया कि सब लोग आ गए, सबने कहा आ गए। कुछ लोगों को बड़ा दुख हो रहा था, उन लोगों ने वहां घर बना लिया था, शादी कर ली थी और बीवी बच्चे भी हो गए थे उनके, बड़ा लेकिन दुख हो रहा था उन्हें कि वहां छोड़ के आ गए उन्हें। लेकिन राजा ने कहा सब लोग आ गए, सबने कहा आ गए, अपने अपने थैले लाए अपने साथ, सबने कहा लाए। तो सब लोग भर के लेके आए थे। तो राजा ने कहा एक काम करो, सबके थैले भरे हुए फलों से, सबने कहा हाथ भरे हुए। तो राजा ने कहा एक काम करो, इन सब लोगों को इनके थैलों के साथ 10-10 दिन के लिए कारागार में बंद कर दो। और सब लोग हैरान हो गए, ये क्या हो गया। राजा ने कहा तू फल लाए हो ना, और सबने कहा हाँ। अब राजा ने सबको जेल में बंद कर दिया 10 दिन के लिए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने राजा की बात पर ध्यान दिया था कि राजा ने कहा था कि आते समय फल ले आना। तो रोज क्या करते थे, सुबह से बढ़िया बढ़िया फल, अमरूद तरबूज आम सेब, बड़े बड़े रसीले फल उठा के वो भर लेते थे पूरा थैला कि कब राजा का बुलावा आ जाए। उन्होंने अपना थैला लिया और कारागार में चले गए और बैठ गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको जल्दी थी कि राजा ने पता नहीं कब बुलाए, पता नहीं बुलाएगा नहीं बुलाएगा, लेकिन जब अचानक बुलावा आया तो उन्होंने क्या किया, सड़े गले फल जो थे पुराने पड़े हुए 2-3 दिन के इकट्ठे करे हुए, वही थैला पकड़ा और चल दिए। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फल इकट्ठे नहीं किए थे, ये राजा पता नहीं कब बुलाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। उन्होंने क्या किया, ईटे पत्थर लकड़ी जो सड़े गले फल जो भी मिला उन्हें घास फूस भर के और थैले लेके भर के बिल्कुल बंद करके लेके चले गए। और राजा ने कहा सब लाए, सबने कहा लाए। तो राजा ने कहा सबको इनके बैग के साथ बंद कर दो 10-10 दिन के लिए। अब जिन लोगों ने अपने बैग में तरह तरह के मीठे मीठे फल भरे हुए थे उन्होंने खोला और आराम से 10 दिन तक खाया पिया और मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं, क्योंकि 10 दिन तक उन्होंने अपने फल जो भर के लाए थे बैग आराम से खाए। और दूसरे तरीके के लोग जिन्होंने पुराना बैग उठा लिया सड़े गले फल, 2-3 दिन खाए, तीसरे चौथे दिन में बीमार पड़ गए और अधमरे हो गए। अब जो आखिरी तरीके के लोग थे, तीसरे तरीके के लोग जिन्होंने ईटे पत्थर लकड़ी घास फूस भरी थी, अब क्या खाए 10 दिन। राजा से तो बोला हम राजा बैग भर के लाए फल भर के लाए, उनकी क्या हुई 2-3 दिन में मृत्यु हो गई। तो ये जो कथा है किन लोगों के लिए, ये हम सब लोगों के लिए। वो कोई लोग कौन है, हम सब लोग हैं। हम इस जगत में आते हैं कि भगवान हमें यहाँ आने, हम यहाँ आ गए, जमीन जायदाद दे दी, घर बना लिया, परिवार बना लिया, पर कभी भी बुलावा आ सकता है। तो हम लोगों ने अपने में थैले भरे हुए नहीं भरे, तो गुरु मारे आते हैं बताते हैं माना करो हरि नाम परम फल। तो भगवान ये गुरु मारे आके बताते हैं परम ये क्या है, हरि नाम, ये हमारे साथ जाएगा। अगर हमने भगवान का नाम लिया होगा पूर्ण मात्रा में इकट्ठा किया है ना, तो हमें वहां भी कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है, अब देखना भी हम सब लोगों के ऊपर है, या तो हम हरि नाम ले भगवान के नाम से जुड़ जाए उसको इकट्ठा कर ले, या फिर जल्दीबाजी में हाथ बाद में करेंगे, भजन बाद में करेंगे, और हमें क्या एक दिन बुलावा आ जाएगा और अपने साथ चले जाएंगे ईटे पत्थर लकड़ी, और वहां भी हमें भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि जो भी अब आप लोग समझ ही होंगे कि भगवान के नाम के का क्या फल है। ठीक है, असली वास्तव में यही फल है, यही हमारे साथ जाएगा। तो अभी आप सब लोगों के पास टाइम है, कभी भी वैसे बुलावा आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, तो कोशिश करो आज से ही ये हरि नाम का फल इकट्ठा मिलना शुरू कर दो। अच्छा गलत राम रतना धन पायो।
बोलते ले जाएंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोला गत्य है सब कोई बाजूता है। इसलिए अंतिम समय प्रभु का नाम रूपी थाली में, नाम को ही थाली में ठोस ठोस कर भर दो। इसलिए देखो ये कबीर कहते हैं, कबीर का एक दुआ है, बोले जगत में मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद है। कबीर कहते हैं भैया जगत में सब लोग मरने के लिए डरते हैं लेकिन मेरा मन तो बड़ा आनंद हो रहा है। किसने पूछा कबीर जी सारा दुनिया मरने के लिए डरते हैं तेरे मन में आनंद क्यों? वो कबीर क्या कहते हैं, बोले इसलिए सब लोग डरते हैं भजन नहीं किया ना वो सब डंडे खा खा करके जाएंगे और घोर नरक और ये 84 लड़के हुए जन्म में भटके इसलिए डर रहे हैं। लेकिन मैंने क्यों खुशी हूँ, बोले कब मरिए तब भेटिए परमानंद। मैंने जिंदगी भर प्रभु का नाम राम रूपी राम कृष्ण नाम रूपी मैंने धन को मैंने जिंदगी भर लूटा है। हमें पूछा मेरे पता है मेरे पास में ये धन खूब मेरे पास में ये धन है और यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम में आएगा इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को बोलो ना थोड़ा माला जप करो, बोले नहीं बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा कर रखो ना, बच्चे के लिए कुछ पैसा कमा करके रख करके जाओ। देखो मेरे गुरु जी कहते थे बोले खबरदार बच्चे के लिए पैसा मत कमा कर रखो। बोले क्यों? बोले बच्चा हो ना होगा तो कमा ही लेगा और जिस पिता ने जितने संपत्ति कमा कर गए वो उतना बच्चा उतना ही बिगड़ा हुआ मिला, उतना ही शराबी तराबी गंजड़ी भंगड़ी और मांस मछली जुआ खेल करके सारे पैसा को सत्यानाश कर दिया। आज हम यहाँ कथा करने के लिए गए थे, प्रभु जी अच्छी कथा सुना कर गए, लोग चाहते अरब खरब रुपया हम कमा कर ले जाए, बच्चे एक दिन में फूंक देते हैं। वो कह रहा था अभी क्रिकेट आ रहा है ना आईपीएल, वो कह रहा था जिसका पिता जमा कर गए एक दिन में उसमें बड़े सट्टा जुआ लगाते हैं, तुमने जितने पैसा कमा करेगा ना एक मिनट में फूंक देगा, सारे फूंक देगा एक मिनट में। लेकिन ऐसे धन कमा करके जाओ जो कि इसी जीवन में तुम्हारी काम में आए और अगली जीवन में। तो मीरा कहती है दिन दिन बढ़ता सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाय। इसलिए इसी जीवन में भी रहे और अगली जीवन में ब्याज समेत मिले वो क्या है पायो जी मैंने राम रतन। ठीक है ना, सवेरे उठ करके सारे काम छोड़कर पहले माला जप करो, सारे काम को करोड़ों काम को त्याग दो क्यों यही धन ही जाएगी इसलिए और कोई धन तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं। हाँ देखो कल है हमारी कथा की विश्राम है और जो आज है ना हमारी जो प्रभु जी है क्या नाम प्रभु जी अम्बरीश महाराज अम्बरीश प्रभु आज इन्होंने अपना घर में जो ठाकुर जी है आज ठाकुर जी की स्थापना का दिवस आज का दिन उन्होंने ठाकुर जी को घर में बैठाया इसलिए ठाकुर जी का आज जन्म तिथि है इसलिए हम थोड़ी सी कृष्ण की कथा सुन लेते हैं। कृष्ण कैसे जन्म हुए और नंद बाबा कैसे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इसलिए थोड़ी सी कृष्ण कथा सुन लेते हैं। बोले श्री नंद बाबा ये इनकी वो पांच भाई थे उपानंद सुनंद अभिनंद और नंदन ये पांच भाई थे। लेकिन पहले ये नियम रहता था जैसे 25 साल तक गुरुकुल में बिताते थे 25 से लेकर 50 साल तक घर गृहस्थ बिताते थे पर 50 साल के बाद भी घर में कोई नहीं रहता भजन के लिए चले जाते थे। इसलिए देखो शब्द आता है एका बन बा बन चौ बन घर में नहीं वृंदावन जाओ भजन के लिए इसलिए से बन बन इसलिए 50 बुद्धे बनम ब्रज ये वान प्रस्थ जीवन है। अगर भजन नहीं किया अंक किया 69 60
62 सठ मतलब फिर सठिया बन जाओगे, फिर तेरे से कुछ होने वाले नहीं, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं। इसलिए पहले 50 साल के बाद में कोई घर में नहीं रहते थे। बोले क्यों? बोले घर में रहकर के भजन करना बड़ा कठिन है, हम माया के संसार में। इसलिए घर छोड़ करके सबके साथ सत्संग में चले जाते थे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हाँ तुम्हारे कल्याण हो सकती है। बोले कैसे? 69 70 71 तुम तर सकते हो। बोले कैसे तर सकते हो? बोले सठ सो धरे सत सत पाई। हाँ सठ का भी सुधर सकते हो अगर जीवन में संत संग मिल गया, अगर साधु संग मिल गया ना, संत ही हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, हैं? इसलिए श्री परिजन बाबा की जब उम्र 50 साल हो गए, उन्होंने बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों हम और ये माया संसार में रहना नहीं चाहते, तुम्हारी शादी शुदा हो गया, बच्चे हो गए, अभी हम दोनों पति पत्नी हम भजन करने के लिए जा रहे हैं। बोले पिताजी कोई बात नहीं, नंद बाबा को सिंहासन में बैठा कर भजन के लिए चले गए। लेकिन चार बच्चों का तो संतान, लेकिन केवल नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े व्रत यज्ञ तपस्या की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं हमारी उम्र बीतते हुए जा रहे हैं, अभी भी बच्चा नहीं, भविष्य में सिंहासन कौन संभालेगा। बोले हमने सारे व्रत को हमने रखा है, लेकिन केवल एक व्रत एकादशी व्रत नहीं रखे। चलो हम दोनों एकादशी व्रत रखते हैं। जब उन्होंने एकादशी व्रत जिस दिन रखे उसी दिन उन्होंने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? देखा एक चमचमात हुए बड़ा सुंदर घन श्याम रूप, हाँ श्याम सुंदर एक रूप, और उनको पीछे देखा एक बिजली चमकती हुई, उनको पीछे एक सुंदर एक लड़की को देखा, और देखा ये दोनों ने नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, और इनके हृदय से उन्होंने श्री जसोदा के हृदय में प्रवेश की। उन्होंने स्वप्न देखा, देखते ही दोनों का आंख खुल गई। इतने में जसोदा बोले नंद बाबा से, बोले महल महल मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। नंद बाबा बोले जसोदे मैंने भी बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। बोले बोला क्या स्वप्न देखा? मैया नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरी गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक पौड़ रहा है, और तुम्हारी स्तन पान करते समय उनकी दोनों धारों से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। जसोदा बोले मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा मेरे पीछे पीछे एक सुंदर बालक माँ 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 करते करते आ रहा है, कपड़ा खींच रहा है। बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला दे। बचल रहा था, स्वप्न नहीं लगा सचमुच से। और उसी दिन मैया जसोदा गर्भधारण की। अब ब्रज में हल्ला हो गया, भैया नंद के लाला होने वालों है। बोले श्री नंद के लाला की जय। और जितने गोपियां थी ना वो 84 84 गज के लहंगा चुंदरी बना कर रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहनी करके बधाई देने जाएंगे। इतने में नंद बाबा की बहनी सुनंदा है वो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती है, लाला होगा ना मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। वो 6 महीना पहले आकर के भैया के घर में बैठी गई, और उस घर का सारे काम काज को भाग भाग कर कर रही है। क्यों? 9 लाख की मेरे को हार मिलेगी। अभी एक बड़ी बड़ी गोपी मैया जसोदा से बोली, बोले जसोदे लगता है तेरे घर में लाला होने वाले। बोले पता कैसे चलो? बोले तेरे होठ पीला पीला लग रहा है, मतलब लाला होगा। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली, बोले कुंवारी अवस्था में तुमने जुड़ में केले तो नहीं खा ली? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता है तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बच्चा होने वाला है। सचमुच से कृष्ण और जोग माया थे, और गर्भ में जो बच्चा होना एक होता है, उसी समय माताओं को चटपटी चीज अच्छी लगती है, मिर्च मसाला खट्टा। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है। फिर सुंदर खीर बना करके ठाकुर जी को भोग लगाए, सालग्राम को मैया जसोदा को उन्होंने खीर खिलाए। ऐसे लग रहा था आज रात को ही बच्चा की जन्म हो जाए। अभी 8 बजे तक सब जगे रहते हैं, उसको बाद में सो जाते हैं। अभी बोले 2-2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो। अभी 8 से 10 बजे तक जिसको ड्यूटी लगाए वो तो बड़ी सुंदर कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो
कीर्तन कर रहे थी। इतने में एकदम रात का 12 बजे मैया जसोदा की है उनको, उसको बाद में जिनको ड्यूट लगाया जोग माया सबको सुला दी। और मैया जसोदा बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा बड़े सुंदर उन्होंने बालक जन्म दी, लेकिन सबके सब बेहोश होकर पड़े हुए। बोले भैया सबके सब सोए पड़े हुए, भाभी का क्या हालत है? दरवाजा खोल करके देखा मैया जसोदा की गोद में सुंदर श्याम रंग का एक बालक पौड़ रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया बच्चा का कब जन्म हो गया किसको पता ही नहीं पड़ा, ये पहला खबर नंद भैया को देनी चाहिए, फिर मेरे को नवलाख हार मिलेगी। लेकिन भैया ढूंढो तो कहाँ, ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में बैठ करके माला जप कर रहे थे, माला जप नहीं हो रहा था। सोच रहे थे घर में लाला कब है वो, लाला कब है वो, छोरा कब है वो, छोरा 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 सोच रहे थे। इतने में सुनंद आ करके बोले भैया कमाल है गयो है। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दिए। बोले बहन ने कहा भाई ओए पहले पहले बता मेरे को क्या मिलोगा, मैं 6 महीना से बैठी हूँ, हाँ 6 महीना से बैठी हुई हूँ क्योंकि भाभी गर्भवती, बताओ। बोले ले नवला की हार ले ले। बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, जानते हो इसका कितना कीमत? उस समय नवलाख मतलब साधारण नहीं, ये नवला की हार है। बोले भैया तेरे को पतो है बात कितने बड़ी, बताओ और क्या मिलेगा? बोले ले और यमुना किनारे में जितने गैया चरते ना जमीनी जगह तेरे नाम पर लिख दिया, और क्या चाहिए? बोले भैया बात इतने बड़ी वो भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो तू, कौन सा बात है? बोले बात इतने बड़ी बात है उसको सामने कुछ भी नहीं, बता और क्या चाहिए, हाँ और क्या दोगे? बोले ले तेजरी का सारे चाबी घटी तेरे हाथ में पकड़वा दिया, जो इच्छा खोल कर ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। श्री नंद के लाला की जय। नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए। इतने में जब उन्होंने लाला की मुख दर्शन किया, कितने तपस्या कितने यज्ञ क्या किया उन्होंने नहीं किया, लाला की मुख दर्शन करते ही इतने प्रसन्न हुए। बोले 20 लाख गैया दान दो और 7 तिल का पर्वत मखमल बल कपड़े से ओढ़ करके ब्राह्मण साधु संत को मैं दूंगा, पहले संत ब्राह्मण को बुलाओ, इनकी कृपा से मेरे को लाला की मुख दर्शन करने को मिलो। साधु संत आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके आशीर्वाद दिए। नाई को भेज दिया, जाओ पूरा ढिंडरा बिटवा दो, घर में लाला भयो है ब्रजवासी लोग आए। और गोपियां जितना थी 84 गज की लहंगा चुंदरी और बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के आ रही थी। जब आ रही थी कान में कुंडल पहनी हुई थी, कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के कृष्ण को बधाई दे। जो चोटी में सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल इनके चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो लोग कृष्ण को बधाई देने जा रही हैं, उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। और जितने गोपियां थी ना मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, और जितने मैया बैठे हैं ना क्या बोलोगे? बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोले मैया जसोदा बधाई हो। पीछे सब माँ चुपचाप बैठे जब माता है, अगर झगड़ा हो ना देखना किसी कोने में झगड़ा हो ना वहां तक आवाज, आप बोल रहे हो मेरे तक आवाज नहीं आ रही। और एक बार जोर से बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो, बधाई हो गोपियों, तुम लोगों का आशीर्वाद से आज ये बुरी उम्र में भी लाला को मुख दर्शन कर मेरे को मिलो है। लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों को हो। इतने जितने गोपियां ना लाला को आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या बोल रही थी? बोले जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, मैया
जितने गोप थे नंदा बाबा को बधाई दे रहे थे, देखो जितने पुरुष लोग नंदा बाबा बैठे हुए हो, मैं बोलूंगा बधाई हो आप लोग ना, बधाई हो बधाई हो। हरना नहीं चाहिए, गोपियां तो बड़े तेज से बोलती, अभी देखेंगे गोप लोग क्या बोलते हैं। जोर से बोले मैया जसोदा नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा तो फेल करती है लेकिन जो कुछ हो ना राधा रानी का पार्टी जीतती है। लेकिन देखो राधा रानी पार्टी जीतने पर जब राधा रानी खुश होती ना, कृष्ण उसमें ही खुश होते हैं। कृष्ण जीत करके खुश नहीं, राधा रानी को, क्योंकि कहते ना भक्त भक्त का अगर जय हो ठाकुर जी खुश हो जाता है। राधा रानी कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए अभी सारे ब्रजवासी कन्या को हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे। बोले भैया सबके सब आए, अभी से वृषभानु महाराज नहीं आए, देखते देखते वृषभानु महाराज कीर्तिका सुंदरी प्रवेश की है। कीर्तिका कौन है? राधा रानी की माँ, वृषभानु महाराज पिता है। ये दोनों में बड़ी मित्रता, जब आए कीर्तिका सुंदरी बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए, लड़ झड़ श्रृंगार करते हुए हैं, बड़ी प्रवेश की। जब प्रवेश की अपना सर के ऊपर में एक में दूध, एक में दही, एक में मिश्री, एक में घी लेकर के आई थी। एक गोप जा करके मटकी को बड़ी जोर से मारे, मारते ही मटकी फूट गई और मैया कृतिका दूध दही से स्नान कर ली। फिर तो एक दधिकादी, दधिकादी मतलब श्री दही में घी और उसमें हल्दी मिला करके एक दूसरे को ऊपर में लगाते हैं, हाँ। और वहां पर इतने दूध दही लाए, वहां किच किच मच गई और फिसल फिसल करके एक दूसरों को ऊपर गिर रहे थे और इतने बड़े बड़े मक्खन डेले के डेले उठा उठा करके एक दूसरों को ऊपर फेंक रहे थे। एक बड़ी बुढ़ी 60 साल की माता जी थी जिसकी एक भी दांत नहीं, वो ऐसे देख रहे थे। बोले भैया बड़े जोर की नंदा महोत्सव है रहे। एक गोप ने उठाया मक्खन की डेला और माता जी की मुंह को लटके करके मारे सीधा, और उसका तो एक दांत थी नहीं और मुंह में लगा ना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद उत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, हैं? इसलिए गा रहे थे नंद के आ नंद भयो सबके सब गा रहे थे, सबके सब नाच रहे थी। इतने में नंद बाबा बैठ करके देख रहे थे। ब्रजवासी बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देख ये सारी ब्रजवासी कितने आनंद कितने खुश में गा रहे नाच रहे। अरे कम से कम आज का दिन नाच चले। उन्होंने क्या क्या नंद बाबा को पकड़ कर ले आए, कहा उनके आंगन बहुत बड़ी आंगन थी, दूध दही से भरा पड़ा हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे तीन समुद्र प्रकट हो गया। नंद बाबा को पकड़ करके ले आए और बीच में खड़े कर दिए। नंद बाबा कैसे एकदम गौरव रखने के लंबे चौड़े बड़े सुंदर है, कमर में जो फेटे बांध करके रखे थे, एक तरफ में बरसाना का गोप, दूसरे तरफ में नंदगांव के गोप, दोनों गोप दोनों तरफ में पकड़े हुए, ऐसे लग रहा था मानो अभी ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है, खीर समुद्र मंथन मंथन होने जा रहा है। लवण समुद्र से सबसे पहले 20 निकला जिसको लेकिन नंद महोत्सव में सबसे पहले कौन निकले? स्वयं आनंद कर्म भगवान कृष्ण स्वयं निकले यहाँ, और वहां 14 रत्न। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित नंद बाबा इतने धन दौलत लुटा रहे थे, ब्राह्मण गठली बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने कोने से गिरते गिरते जा रहा था, अली गलियों में सोना चांदी बिखर रहा था, लग रहा था मानो लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अली गलियों में नाच रही है लक्ष्मी। वहां पर श्री शंकर भी आए थे,
श्री भोले बाबा भी आए थे। भोले बाबा डर गए, बोले क्यों? बोले नंदा बाबा 20 लाख गया दान दिया। शंकर जी तो चक्कर में पड़ गए, बोले भैया मेरा बहन भी, शंकर जी का बहन कौन है? नंदी बैल है। बोले भूल से गैया दान देते देते अगर मेरे नंदी को दान दे देंगे ना फिर तो भैया मैं कहीं से बैठ कर जाऊंगा, मेरे बहन ही चले जाएगा। इसलिए नंदी को पूछ को पकड़ लिए, हाँ ये भी दान में नहीं चले जाए। मैया रोहित वहां पर मैया श्री पार्वती भी आए थे, उनको भी दो बेटे हैं, कौन कौन है? कार्तिक और गणेश। बोले गणेश गजानन, उसका सर भी हाथी जैसे। बोले हाथी घोड़ा पालकी। बोले भैया भूल से अगर मेरे बेटे को हाथी मानकर दान दे देंगे ना मेरा बेटा ही चला जाएगा, इसलिए बेटे को गोद में लेकर चुपका करके खड़ी हुई थी। बोले वहां पर कुबेर धन कुबेर भी आए थे। कुबेर ने देख कर लज्जित हो गए, सर झुक गया। बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ कुबेर क्यों बनाए? आज नंद बाबा को पास में इतने धन दौलत है, मेरे पास में भी इतने धन दौलत नहीं। इसलिए सारे ब्रजवासी नृत्य कीर्तन करके जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री नंद के लाला की जय, श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की जय। देखो आपका बच्चे, कोई बच्चा है? बच्चे को कृष्ण मनाया? नहीं, उनके बच्चे का जन्मदिन है। हाँ, किसी भगवान का जन्मदिन ना, किसी बच्चे का जन्मदिन भगवान का ना, दोनों का है। हाँ, दोनों का है, इसलिए जाओ भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के आ जाओ। जाओ आपके पति धरवा भी कहाँ गए? माता जी कहाँ है? खड़े हो जाओ, खड़े होकर नंद यशोदा बन जाओ, खड़े हो और भगवान को गोद में लेकर ले आओ। आपको भी पगड़ी नहीं है सर में? पगड़ी बना दो, पगड़ी बना करके भगवान को गोद में लेकर के ठाकुर को बोल। हाँ देखो हरे कृष्णा, देखो एक अनाउंसमेंट है, हरि बोल, सुनो इधर ध्यान देकर के। जो कल है हम कथा में, कल तक जो कथा सुन रहे सुनेंगे, लेकिन कल कथा में श्री अंतिम समय में श्री गिरिराज की पूजा करेंगे। क्या करेंगे? बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, और गिरिराज पूजा की बड़ी महिमा है जी। तीसरा जब आना समझ क्या करना हमारे, और दामोदर कुछ बोलोगे? तुम कल बोलना ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ इधर आ जाओ। हरे कृष्णा जी, इधर आ जाओ। कल है, सब लोग अपना घर से कुछ ना कुछ बना करके लाना, कुछ ना कुछ बना करके लाना, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, आ जाओ तुम। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अगर गिरिराज की पूजा में एक अन्न की दाना अगर किसने लगा दी, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहती है। आप लोग कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ, कौन कौन गिरिराज गए? आप देखना गिरिराज की में, क्योंकि गिरिराज की जो शिला है ना, शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ देखोगे। बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, गिरिराज शिला के ऊपर में जितना शिला रख दो ठाकुर जी उतना मंजिली मकान बना देते हैं। हम कुछ दिन पहले बड़ौदा गए थे, देखो ध्यान देकर सुनो, हम बड़ौदा में किसी एक भक्तों घर में प्रोग्राम में गए। एक साल पहले प्रोग्राम में गए थे, उसका एक छोटा सा घर था, लेकिन जब हमने पिछले साल गए देखा उसका 3 मंजिल मकान। बोले भैया तुमने एक साल में 3 मंजिल मकान कैसे बनाया? बोले हम गिरिराज की परिक्रमा करने गए थे, और गिरिराज में 3 जो शिला के ऊपर में पत्थर रख करके आए। बोले ठाकुर जी में 3 मंजिल मकान दो, ठाकुर जी मेरे को एक साल में 3 मंजिल बना दिया। ये सही घटना है, इसलिए जो गिरिराज है ना, इसलिए इनका नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता। जब कोई व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये क्या मांगेगा, ये हमसे क्या मांगेगा? जो कुछ मांगो गिरिराज उसकी सारी इच्छा को पूरी कर देते। इसलिए कल हम लोग यहाँ पर गिरिराज की पूजा करेंगे, और आप लोग अपना घर से जो बढ़िया चीजें बना दो, अच्छी चीजें, कोई अगर कोई कढ़ी चावल ला सकते हो, नहीं तो कोई राजमा चावल, नहीं तो मटर पनीर, लेकिन नहीं तो हलवा पूरी, नहीं तो कोई मिठाई हो, कोई फल हो, कुछ ना कुछ कल लेकर के आना, गिरिराज की पूजा में लगेगा, फिर आपको वो प्रसाद, आपको प्रसाद रूप में वही चीज आपको मिल जाएगी। और जो कल है हमारे जीत प्रभु जी अनाउंस नहीं करेंगे, दामोदर इधर आ गए,
हाँ देखो हरे कृष्ण है, हम लोग कल जो लोग अक्षय तृतीया में श्री वृंदावन जाना चाहते हो, कौन कौन हाथ, कौन कौन नाम लिखा है, कौन कौन नाम लिखा है? हाँ, परसु अक्षय तीज है। अक्षय तीज मतलब वो सृष्टि का पहला दिन है, उसी दिन सृष्टि ठाकुर ने दुनिया को सृष्टि उसी दिन की थी, उसी दिन हम जो कुछ करते हैं उसका फल अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए सृष्टि का पहला दिन साल में एक बार ठाकुर का चरण दर्शन मिलता है और ठाकुर का पूरा शरीर चंदन से श्रृंगार केवल साल में एक बार दर्शन मिलता है और उसी दिन आप जो कुछ करेंगे उसका फल अक्षय फल है। कल ये लोग वृंदावन जा रहे हैं, अगर कोई जाना चाहे तो आज अगर नाम दे सकते हो, ये लोग बस की व्यवस्था किए हैं, ये लोग बस की व्यवस्था किए हैं, फिर आप लोग जा सकते हो। छोड़ा माइक खड़े हो जाओ, हाँ आप लोग नंद जसोदा बनो, पांच मिनट में बन जाओ, ये प्रभु से आप कथा सुना देते శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వ్యాసాది శ్రీ గౌర భక్తి వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 అభి యా సాప ఆ సాప ఇతని తేజ ఆవాజ ఆయన మకాన గిరనే కి నోబత ఆ సబ్కే ఊపర్ కాల రూపీ సాప బా జో కి జీవన మే मेरा भगवान के अलावा कोई नहीं है, वो हाथ उठा के इतनी तेज बोलो तुम्हारी आवाज भगवान तक जाए, बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरु का पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णु का दर्शन दुर्गाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनका एक एक कृपा की प्रशंसा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु के आपद में पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित ब्रह्मचारीगण पूजपा जी प्रभु भक्तविंद महात्म सबके चरणों में इथाई गुरु दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा शांत हो जाओगे तो सब कुछ सुन पाओगे, समझ में आएगा, इतना जरूरी कोई काम नहीं है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे माता जी बात मत कर कोई, हरे कृष्णा बोलो, सुनोगे तो कुछ समझ आएगा, तो सुन लो बहुत जरूरी बात है। महाराज जी ने कहा और सबने कहा कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं। उदाहरण देना चाहता हूं, ओल्ड हाउस की जो बात हुई थी जा करके देख लेना, जितने अनाथ आश्रम है जितने ओल्ड हाउसेज है 99% आपको हिंदू मिलेंगे, ना कोई क्रिश्चियन मिलेगा, ना कोई सिख मिलेगा, ना कोई मॉर्मन मिलेगा। ये मैं बड़ी शॉर्टिंग के साथ कह रहा हूं, 99% कौन मिलेंगे? हिंदू। कारण बता देता हूं क्यों। सरदारों के घर में हर बच्चे को गुरुवाणी याद होगी, पूछ के देख लेना। क्रिश्चियनों को बाइबल अच्छे से पता होगी कहां पर क्या लिखा है। और उनको शुक्रवार दिन देखना, जोर जबरदस्ती बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड में बैठा करके उनको नमाज पढ़वाते हैं, एकदम मेन रोड में बैठा कर नमाज पढ़ाते हैं। और मुसलमानों की बात कर रहे, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे ना भेजे, डिग्री कॉलेज भेजे ना भेजे, जब हम सोचते हैं ना हमारा बच्चा भी बड़ा सुकुमल है, बड़ा सीधा है, कुछ जानता नहीं, बोल नहीं सकता, वो सिर्फ 2.5 साल की उम्र में सिर पर टोपी रख देते हैं। कितनी साल की उम्र में? सिर्फ 2.5 साल में चल नहीं पाता ढंग से, उसी दिन से उसको मस्जिद में भेजना शुरू करते थे। क्या सीखने के लिए? कुरान का कलमा पढ़ना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में सिखाया जाता है हम सब एक हैं, हमको एक साथ रहना है। तो जब वो अपने कौम मतलब अपना जो धर्म है अपने धर्म के लोगों को अपना मानते हैं तो माँ बाप को छोड़ेंगे कभी? पर क्या हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं?
क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में, क्या बात करते हैं। अगर छोटा बच्चा कुछ करने भी लग जाए तो सबसे पहला भय ही होता है, तो छोटा है। अभी से आरती पकड़ा दी इसके हाथ में, अभी से इसको गिलास उठवाना शुरू कर दिया भगवान का। ये हम इसको बचाना चाहते हैं, पर फोन पकड़ने से हमको कोई डर नहीं लगता, मॉल ले जाने से हमको कोई डर नहीं लगता। तो जहां पर जीवन की सबसे ज्यादा दुर्गति है वहां भेजने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भेजने में हमको कोई परेशानी नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान पर हमारा कोई विश्वास है ही नहीं, भगवान पर हमारा कोई विश्वास है ही नहीं। जब भी जीवन में कोई समय आता है, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कार्य करता है पूरा जीवन, अगर उस कार्य के बदले उससे पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? ये मैंने बड़ी मेहनत करी, इसका फल है। कर्म करो, कर्म का फल मिलता है। जिसको धन होता है वो ज्यादातर ये सिद्धांत देता है, क्या कर्म करो, कर्म तो सब मिलता है, बिना करे किसी को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन उसी व्यक्ति सब कुछ किया, किससे किया उसने? कर्म से। उसी के घर में कोई विपत्ति आ जाए, मान लो कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ, सबसे बड़ा दोष किसको लगाएगा? भगवान। अरे जब कर्म का फल तुम्हारा था, चोरी का फल कौन पड़ोसी के पास जाएगा, भगवान के पास क्यों जाएगा भाई? तो सीधी बात है, जब हमारा कोई कार्य सिद्ध होता है वो हमने किया, और जब कोई कार्य बिगड़ता तो किसने किया है? भगवान ने किया है। इसके बहुत सारे प्रमाण है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति भगवान का बड़ा अच्छा भक्त था, जो भगवान पर डिपेंड होता वो कैसा होता है देखो। वो व्यक्ति बड़ा अच्छा भक्त था, उसे घर में कोई मुसीबत आ गई, दिक्कत हो गई उसको, अब वो व्याकुल हो गए, दो तीन दिन हो गए घर में कोई सामान नहीं है, बड़ा व्याकुल घूम रहा है चारों तरफ। तो उसने सोचा अभी बहुत इंतजार कर लिया, लोगों से मांग लिया, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बोला चलो भगवान को अर्जी लगा लेते। तो लोग बड़ा जानते थे उसके आसपास रहने वाले, भगवान का भक्त बड़ा तिलक लगाता घूमता, तो उसकी बड़ी विपत्ति है, भागा जा रहा था। तो लोग ना इमोशंस का बड़ा फायदा उठाते हैं, ऐसे ही एक आकाशवाणी वाला उसको मिल गया वहां पर, बोले भाई कहां भागे जा रहे हो? बोले भगवान से बात कहने जा रहा हूं कि मेरे घर में बड़ी दिक्कत है, कुछ है नहीं, तो प्रभु की व्यवस्था करो। तो बोला वहां बोलने से क्या है, हम माइक को बोलो भगवान तक पहुंच, भगवान तो सब जगह। बोले हाँ। तो उसने आकाशवाणी का माइक उसके हाथ में दे दिया, और उसने बोला, उसको क्या पता पूरे रेडियो पे जा रही है बात, उसने बोला हे प्रभु मेरे घर में कोई चीज है नहीं, आप कृपा करें कुछ व्यवस्था करो, भूखे रहने की स्थिति है, भूखा हूं मैं तीन दिन से। वो कहके चला गया। अभी आकाशवाणी तो सब सुन रहे हैं ना, FM सब सुनते हैं, न्यूज सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, बहुत लोग सुन रहे, भक्त भी सुन रहे बहुत सारे। तो एक सेठ था, बड़ा कंजूस, बड़ा दुष्ट, वो कभी किसी को एक पैसा देता नहीं था। उसने ये बात सुनी, उसने सोचा इस व्यक्ति को जाके मैं पैसे देता हूं, इसको समझाऊंगा भगवान भगवान कुछ भी होते नहीं है, ये जो हम मदद कर रहे हैं हमारी कृपा से होगा, भगवान की कृपा से कुछ होने वाला, भगवान कुछ नहीं होते, अगर होते तो भगवान तेरी मदद करने के लिए आते। उसने इस विचार करके उसने घर पर बहुत सारा सामान भेजा, सामान भेजा, पता कर लिया कहां से बोला कौन बोला, आकाशवाणी से पता लग गया उसको। उसने उसके घर सामान भेजा बहुत सारा, तो सामान लेके लोग आए, उसने बोला ये आपके लिए सामान है। तो उसने कुछ नहीं पूछा कहां से आया कौन, उसने बोला अंदर लाओ, अंदर लाओ, अंदर घुसाने लग गए सब। तो वो सेठ आया, उसने सारा सामान रखवा लिया, आराम से बैठ गया। तो बोले भाई तूने पूछा कहां से आया कैसे आया? बोले पूछने की जरूरत क्या, बोले भगवान ने भेजा। बोले भगवान भगवान कुछ नहीं भेजते, ये भगवान ने नहीं भेजा। बोले फिर? बोले ये तो मैंने भेजा है। बोले तुमने? बोले बोले भगवान ने भेजा, तुम भेज ही नहीं सकते। बोले मैंने ही भेजा है। बोले मैं सिद्ध कर दूंगा तुमने नहीं दिया भगवान ने दिया। बोले कैसे? तो वो सेठ बोले, बोले बताओ तुम कभी जीवन में किसी को दान देते हो? बोले नहीं। बोले क्या स्वभाव है तुम्हारा? बोले बड़ा दुष्ट हूं मैं, किसी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। बोले भगवान ऐसे ही है, जो एक पैसा नहीं देना चाहता उसको मेरे घर में सारा सामान लेके भेज दिया, सोनी कृपा करोगी, जो कंजूस है दुष्ट है उसको भेज दिया। बोले ये बात किसी ने नहीं सुनी, भक्तों ने सुनी, बड़े बड़े राजाओं ने सुनी, बड़े दयालु लोगों ने सुनी, पर देने भगवान ने किसको भेजा? जो एक पैसा भगवान के लिए देने तो बहुत दूर की बात है, वो ये सिद्ध करने आया था भगवान कुछ भी, पर भगवान पे आश्रित व्यक्ति ने सिद्ध किया। अगर जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो वो भगवान की कृपा से होता है, और जब कोई विपत्ति आती है तो अपने कर्मों के फल से प्राप्त होती है, समझ गए? यह भक्तों का विचार है। ऐसे ही मैं कुछ बात सबके बीच में कहना चाहता हूं, जो भक्तों को खास करके पालन करनी चाहिए। मेरी बात शायद थोड़ी अजीब हो, पर पालन करने से ही भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। 90% लोगों का यह मानना है कि जब घर में एडवांस पैसा होगा, क्या होगा? बचत, हमारे पास कुछ बचा हुआ पैसा होगा, तब हम कहीं जाकर के कोई तीर्थ कर सकते हैं,
जब हम कहीं जाकर के कोई भगवत कार्य कर सकते हैं, कहीं पर जाकर के कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, अगर एडवांस पैसा नहीं है तो फिर तो अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, किसी घर में एडवांस एक पैसा नहीं है, आपको बहुत बड़ा रोग हो गया, पैसा एडवांस लाओगे दूसरों से नहीं लाओगे? लाओगे या नहीं? हाँ बोलो, हाँ ना। घर में कोई विपत्ति आ जाए पैसा मांगने जाओगे या नहीं जाओगे? जब इस सड़े हुए शरीर के लिए पैसा मांगने जा सकते हो, उन रिश्तेदार उस रिश्ते के लिए पैसा मांगने जा सकते हो जो तुम्हारा है ही नहीं, जो सबसे पहले तुमको धुतकार के बाहर निकालेगा, उस जगत पिता के लिए भगवान के लिए अगर पैसा मांगने जाओगे तो भगवान तुम्हारी बेइज्जती होने देंगे? तो धाम जाना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए। कैसे जाना है इससे कोई फर्क है, भिक्षा मांग के भी जा सको ना, उस भिक्षा देने वाले का जीवन सार्थक हो जाएगा जिसका पैसा लेकर के तुम भगवत धाम चले जाओगे। तो चिंता नहीं करो, प्रयास करके हर तरीके से, जैसे जीवन की हर चीज चलाने की कोशिश करते हो ना, उसमें सबसे पहले भगवान से रिलेटेड कामों को वैसे ही करने की कोशिश करो। ये पक्का प्रमाण है, जब तुम इस तरह दृढ़ संकल्पित हो जाओगे, भगवान उस चीज के आने से पहले तुम्हारे पास व्यवस्था बना के भेज देंगे, ठीक है? और मैं कभी कभी उदाहरण किसी और के जीवन से देता ही नहीं, मैं हमेशा हर उदाहरण अपने जीवन से देता हूं, इस बार का भी दे देता हूं। पूरी जाने के लिए टिकट की आवश्यकता थी, टिकट की कराने की आवश्यकता ही पैसे नहीं है, तो मैं सोच रहा था टिकट कराने किसी से उधार मांगने जाऊंगा, तो मेरे को एक व्यक्ति का फोन आया, कह रहे आपको 4 महीने हो गए आप मेरे पास आए नहीं, नोएडा में रहते हैं। मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं आपके पास आऊं, मैं आता हूं, आप मुझे कुछ प्रणाम ही देते हैं, बिना काम के क्या फायदा? बोले नहीं आओ। और मैं गया, उसने मुझे कल ही 13,000 रुपए दिए, बोले अपनी टिकट कराओ धाम जाओ पहले पूरा। समझ आ रही है बात? तो भगवान व्यवस्था करते हैं, अगर भगवान पर दृढ़ विश्वास है तो। पर आप घर से निकलना ही नहीं चाहते, टिकट कराना ही नहीं चाहते, तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए भरोसे मत बैठो, अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाओ, भगवान 1,000 रुपए बढ़ा करके तैयार बैठे हैं, ठीक है? तो जो विश्वास आप जगत में लगाते हो मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, उसको हटा करके अगर हरि गुरु और वैष्णव में जिसने लगा दिया, उसको फिर किसी और में विश्वास लगाने की जरूरत है ही नहीं। कृष्ण के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो अभी गोपाल जी का जन्मतिथि है, प्रभु जी गिरे नहीं, सावधान से रखो ठाकुर जी, प्रभु जी नीचे कर देना, हाथ हाथ से ऊपर से नहीं गिर जाए, हाँ सावधान से। श्री नंद के लाला की, श्री कृष्ण के नैया लाल की। हाँ देखो एक अनाउंसमेंट है, जैसे कल यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं भक्त लोग, कल बस लेकर जीत प्रभु और दामोदर बस लेकर जा रहे हैं, अगर कोई जाना चाहते हो अभी भी आप जीत प्रभु का अपना नाम लिखवा सकते हो, आज लिखा दो, ठीक है? अभी जीत प्रभु खड़े हैं यहाँ पर, जीत प्रभु दर्शन दे दो सबको, ये जीत प्रभु जी खड़े हैं जो जाना चाहते हैं। मैंने 2 बस किया है, एक बस तो पूरा और एक बस में कुछ हो गए और कुछ भक्त जा भी सकते हैं, इसलिए आप इनको, हाँ कल जो कथा है ना, देखो अगर हम लेट में यहाँ से जाएंगे फिर वो वृंदावन में घुसने नहीं देगा, वृंदावन में फिर वो बस घुसने नहीं देती है, इसलिए अगर हम टाइम से चले जाए ना, रात 12 बजे से अगर पहले चली जाए वो बस अक्षर में चली जाएगी मंदिर तक, नहीं तो उसको बाद में फिर मंदिर में फिर वृंदावन में वो बस घुसने नहीं देगा, इसलिए हम लोग कल यहाँ से 8:30 बजे 9 बजे अंदर में यहाँ से बस छूट जानी चाहिए, फिर तो हम वृंदावन में टाइम से पहुंच जाएंगे और मंदिर में पहुंच जाएंगे, इसलिए कल यहाँ पर जो कथा है सब